गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत के साथ मैं इस वक्त हूँ केदारनाथ। केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ और केदारनाथ धाम चढ़ रहा हूँ। तो सुबह का वक्त है, खूबसूरत मौसम है और देखिए सभी भक्त यात्रालु महादेव का नाम लेके केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज केदारनाथ धाम तक ऊपर जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। महादेव हर हर। जय काल भैरव दादा की। जय हो भैरवनाथ। भैरवनाथ का प्रार्थना है। जय भैरवनाथ। जय काल भैरव। ये देखिए सुबह का वक्त है, ठंडी भी काफी है और पहाड़ के ऊपर बादल भी थोड़े थोड़े धुंधले धुंधले नीचे आ रहे हैं और काफी खूबसूरत व्यू है। महादेव महादेव। रास्ते में ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉप आएंगे। अभी नींबू शरबत यहाँ पिया, एक नंबर था, थोड़ी एनर्जी आ गई, अब और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ट्रैफिक भी काफी अभी बढ़ रहा है। चलो भैया चलते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम। अभी जल्दी। थैंक यू। अभी यहाँ पे घोड़ा बनाया था एक नीचे से वो मौसी ने, तो अब घोड़ा चल नहीं रहा तो थोड़ी सी यहाँ से झिझक हो रही है यात्री के बीच में। घोड़े के ऊपर से गिर गए अभी, तो घोड़े की मुसाफरी करते समय ध्यान रखिए कि घोड़े के ऊपर से आप गिर सकते हो। ये देखिए छोटे छोटे झरने पहाड़ से बह रहे हैं। रास्ते में ऐसे टॉयलेट महिला के लिए और पुरुषों के लिए बनाई गई हुई है।
हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अच्छी खासी बारिश हो रही है। केदारनाथ यात्रा में बारिश स्टार्ट हो रही है, आपको कैसा आनंद आ रहा है यात्रा में? महादेव जी हाँ, आप सभी इनको जानते होंगे, इनके आवाज से ही आप सब पहचान गए होंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए और यहाँ का वेदर के अपडेट दे दीजिए आज। I mean, when you are in Kedar, you never want. I mean, when you are in mountains, you never know. Kedar, even from Batai to Kedar, I mean, jo Kedar ma Baba ma Bala ho chhe, to gamme jaga weather ma pochi chu, ane darshan. Kari su Mahadev, Mahadev. Mahadev, Mahadev. तो केदारनाथ की पैदल यात्रा अभी जारी है। मौसम थोड़ा बेईमान हुआ है, बारिश अच्छी खासी हो रही है, फिर भी यात्रालु श्रद्धालु अपने पूरे जोश से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से खच्चरों का अलग रास्ता होता है, देखिए, और इंसान इधर पैदल जा सकता है। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है पर यात्रा कंटिन्यू है। काफ़ी लोग बारिश में भी चल रहे हैं। ये है दिल्ली वाले भाई साहब, कैसा आनंद आ रहे हैं? बढ़िया। जय बाबा भोले भोले। पुराने जो शेड थे वो अभी भी टूटे पड़े हैं, काम चालू लगता है। ऐसे अगर बन जाए तो बारिश में यात्री के यहाँ रुक सकते हैं। બેન અમદાવાદ થી આવ્યા છે, એવી મજા આવે છે બેન? મહાદેવ જય કેદાર। આ બેન પણ અમદાવાદ ના છે। મહાદેવ મહાદેવ। નીચે જો ખૂબસૂરત નદી બે રહી હૈ તો કેદારનાથ ઉપર જા રહી હૈ મંદાકિની નદી।
उस साइड पुराना रास्ता था जो यहाँ पे तबाही आई थी उसमें बह गया। देखो सामने का वो पूरा मंजर है। ढेर सारे ऐसे छोटे मोटे ढाबे आएंगे, आलू पराठा सब मैगी बेचते, ऐसे रुकने के लिए ऐसी जगह भी आएगी जहाँ पे ऐसे शेड बना के रखे हैं, तो बर्फबारी वर्षा हुई तो आप रुक सकते हैं। और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऐसे ऐसी ठंड बढ़ रही है। ओह माय गॉड, खूबसूरत ब्यूटीफुल पहाड़ केदारनाथ। Thank you.
बर्फ काफी बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। बर्फ के बीच में चल रहा हूँ और ठंडी भी काफी हद से ज्यादा है। देखिए पूरा रास्ता बर्फ से भरा हुआ है। भैया देखिए दोनों साइड बर्फ है और बीच में हल्का सा रास्ता है यात्रा पे जाने का महादेव के मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। ओ ध्यान से भाई क्या व्यू है। इस बार की यात्रा काफी कठिन रहने वाली है श्रद्धालु के लिए। जो श्रद्धालु अभी आएंगे उनको बर्फ तो देखने की मिलेगी पर थोड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। ओ भाई जी तो फोटो उठा दीजिए ना इससे ये वाला मेरा बीच कहां भाई साहब रात हो गई है मैं पहुंचा हूं अभी बेस कैंप पे। देखिए नहीं करते तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मैं अभी बेस कैंप तक ही पहुंच पाया हूं यहां से 1 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल महादेव हर બધા કેદારનાથની આરાધના કરવા માટે આવ્યા છે। એવી રીતના મારો દાવો છે કે કેદારનાથમાં સ્વર્ગલોકમાંથી દેવતાગણ આવીને આ ખચ્ચરોનું રૂપ ધારણ કરીને આપણી જેવા લોકોને નીચેથી ઉપર લાવવાનું કામ કરીને કેદારનાથની આરાધના કરતા હશે। એટલે તમામ ગુજરાતીઓને વિનંતી કરું છું કે આ ખચ્ચરો માટે તમે જેટલું પણ કરશો એ મારા મહાદેવ સુધી પહોંચશે। જય હો મહાદેવ, જય હો કેદારનાથ। એ દેખીએ બેઝ કેમ્પ હે જો બરફબારી કી વજહ સે ડબ કે टूट चुके हैं। मारा मारी जो कर दो।
आज का दिन काफी मेहनत और मुश्किल भरा रहा सफर। फाइनली मैं 8:30 बजे तक महादेव के मंदिर पे पहुंच गया और दर्शन भी कर लिए। अभी अभी कपाट बंद हुए और ठंडी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं, किसी को रूम नहीं मिल रहा। अधिक मात्रा में श्रद्धालु आ चुके हैं और खुश नसीब ये है कि पहले दिन मैंने मंदिर में जाके दर्शन भी कर लिए। महादेव हर हर। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में केदारनाथ धाम से।